एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, इकोनॉमिक्स को लेकर के हम लोग एक क्लास प्रारंभ किए हुए हैं। अब तक इसमें 3 से 4 लेक्चर अपलोड किए गए हैं, तो प्रारंभिक स्तर से ये प्रारंभ हुआ है और पूरे सिलेबस को इसमें कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के धारणा को जो है समझने का प्रयास करेंगे, इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे और ये दोनों किस रूप में इस एक दूसरे से जो संबंधित हैं उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी जो है परिभाषा हो गई और दूसरा जो है अंतर हो गया और तीसरा जो है पूरकता, कि किस तरीके से ये जो है दोनों पूरक हैं। ये 3 बिंदुओं को इसमें हम लोग शामिल करेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि वास्तव में जो है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक ऐसे स्थिति को व्यक्त करता है, एक ऐसी प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी कि जो है अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक स्तर पर परिवर्तन आता है। परिमाणात्मक का मतलब जिसको नापा तोड़ा जा सकता है। तो आर्थिक समृद्धि एक ऐसी स्थिति और प्रक्रिया है जिससे जो है अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक स्तर पर परिवर्तन आता है। जैसे आपका GDP हो गया, यह जो है अगर किसी देश में जो है इसमें वृद्धि होती है या इसमें परिवर्तन होता है तो वो किसमें कहलाएगा, आर्थिक जो है समृद्धि के रूप में कहलाएगा। क्योंकि अगर किसी देश की जो एक टाइम पर जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर अगर इकोनॉमी का जो है एक आकार GDP है और वो बढ़कर के 1.5 ट्रिलियन हो जाता है तो ये बताता है ये GDP में जो वृद्धि है और यही वृद्धि जो है वो आपका इकोनॉमिक जो है ग्रोथ है, यानी कि आर्थिक समृद्धि है। क्योंकि इसे हम लोग नाप सकते हैं और ये स्पष्ट अंतर निकाल सकते हैं कि कितना है, तो यानी कि जिसे नापा तोला जा सकता है और उससे संबंधित जो सकारात्मक परिवर्तन होता है उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसी पर आधारित जो है आपका प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय भी जो है आपकी GDP पे ही डिपेंड करती है कि GDP अगर लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या उससे ज्यादा दर से नहीं बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना तय है। इसीलिए GDP और प्रति व्यक्ति आय में जो है देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का तरीका सबसे बेहतर जो प्रति व्यक्ति आय होता है, क्योंकि ये अगर बढ़ रहा है तो आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रहा है। क्योंकि यदि GDP जिस दर से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को अगर हम ज़्यादा स्पष्ट निकाल लेते हैं तो ये निश्चित हो जाएगा कि GDP भी जो है बढ़ ही रही है, क्योंकि किसी देश की जनसंख्या नकारात्मक शायद नहीं होती है या घटने की जो प्रवृत्ति नहीं होती है। या ये मान लिया जाए कि अगर जनसंख्या नहीं घट रही है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो GDP जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से GDP और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है, जो परिवर्तन सकारात्मक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत आता है। अर्थात जो आर्थिक समृद्धि है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो है अर्थव्यवस्था में नापने तोलने योग्य जो है सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है आर्थिक समृद्धि कहलाती है। दूसरा है जो है आपका आर्थिक जो है विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो था EG और ये है ED, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास से तात्पर्य जो उस स्थिति से है जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के साधनों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता में जो है वृद्धि होती है, अर्थात इसमें गुणात्मक स्तर पर जो है परिवर्तन होता है और गुणात्मक स्तर पर परिवर्तन अंकित किया जा सकता है। जैसे चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया और इसी तरीके से व्यक्तिगत जीवन यापन के जो स्तर हैं, इन सभी चीज़ों को हम मीटर में या जो है लीटर में नहीं माप सकते। यह जो है गुणवत्ता के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जो है जानते हैं। अर्थात यह ऐसी स्थिति होती है जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन होता है लेकिन इसे नापा और तोला नहीं जाता है, तो वह स्थिति कहलाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के नाम से इसे जाना जाता है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो है आर्थिक समृद्धि तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आर्थिक विकास है।
क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि स्वयं ही निहित होती है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के बगैर आर्थिक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए कुछ ऐसे कारकों की आवश्यकता होती है जिसमें आर्थिक समृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी भी देश की सरकार, शासन सत्ता, वहाँ की इकोनॉमी का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि हम वहाँ पर लोगों के जीवन यापन को बेहतर बना सके, चिकित्सा शिक्षा के एक अच्छे सुविधा उनको जो है प्रदान कर सके। तो यह एक जो व्यापक दृष्टिकोण है आर्थिक विकास, और यह आर्थिक समृद्धि से होता हुआ जो है प्राप्त किया जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा दूसरे अंतर को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अंतर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि जो है यह परिमाणात्मक है, आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक होता है, वहीं पर आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक होता है। आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक होता है, आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक होता है। इसे जो है माप सकते हैं और इसे जो है नहीं माप सकते, नहीं माप सकते। यह जो है सीमित अवधारणा है, असंकीर्ण अवधारणा है, और यह जो है व्यापक अवधारणा है। यह पूर्व की स्थिति है और यह हमेशा जो है उत्तर की स्थिति होती है। यह पहले शुरू होता है तभी यह आता है, क्योंकि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वह सारी चीजें जो है आर्थिक समृद्धि पर ही निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये जो है दोनों के बीच में जो है अंतर को जो है व्यक्त करता है। तो इस तरीके से जो दोनों में ये अंतर आते हैं, ये अंतर भी जो कहीं ना कहीं इसी अवधारणा और परिभाषाओं पर आधारित है। यदि हम अवधारणा और परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इनके बीच में अंतर को समझना कोई कठिन काम नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में क्या अंतर है। अब हम पूरकता को देखते हैं। ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की पूरकता, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए अगर देखा जाए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों ही पूरक हैं। क्योंकि आर्थिक समृद्धि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पहले परिवर्तन को ले आता है और इसी परिवर्तन पर आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक विकास अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक जो है समृद्धि पर निर्भर करता है, और दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि जो है यह एक स्थैतिक अवधारणा नहीं है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि को ही प्राप्त करना नहीं है कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पर लोगों के जीवन स्तर कम हो, तो इसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्राप्त करना होता है। इसलिए दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के जो पूरक हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था में GDP को बढ़ाते हैं, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाते हैं, तभी हमारे पास जो है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चिकित्सालय खोलना है या शिक्षा के लिए स्कूल खोलना है, तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर बजट की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। तो जब अर्थव्यवस्था में जो है हम आर्थिक समृद्धि के जो है उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है हम पूंजी को, बजट को आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं, जिस पर आधारित चिकित्सा और शिक्षा के जो है क्षेत्र में हम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, और उसके माध्यम से जो है हम आर्थिक विकास को जो सुनिश्चित करने में सफल होते हैं। तो ये बातें जो है आपकी रहीं पूरकता के संदर्भ में, यानी कि परिभाषा को हमने देखा, अंतर को देखा और पूरकता को देखा। तो यह टॉपिक जो है बेसिकली आपको बहुत ही कंसेप्चुअल लग रहा है और ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद हमें कोई फैक्ट नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के जो है टॉपिक को पिछले कई एग्जाम को उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, निबंध में भी UPSC के पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से इस टॉपिक का समान रूप से उपाध्येयता है, और आपको ये चाहिए कि इससे संबंधित अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जो है तैयार कर लें, ताकि इस पे एक स्वस्थ समझ विकसित हो सके, और इससे मिले जुले जो है रूप में अगर कोई सवाल पूछता है या इससे थोड़ा सा इस टॉपिक को जो है विस्तृत करते हुए, विश्लेषित करते हुए, व्याख्यायित करते हुए कोई सवाल पूछता है, तो आप उन सवालों को हल कर सकें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर आधारित इस लेक्चर से आपको जानकारी मिली हुई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में इकोनॉमी के एक अगले टॉपिक को लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।